पैरामाउंट स्कूल के आज इस खास कार्यक्रम में आप सबसे मिलने का मौका मिला। यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ की फैकल्टी, आप सबसे आकर बातचीत करने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप सबको संडे को एक छुट्टी के दिन अपना समय निकालकर यहाँ आना पड़ा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन आप सब यहाँ पधारे, मेरा मान सम्मान बढ़ाया, मुझे ये मौका दिया आप सबसे बात करने का, पीछे जो जिम है उसका उद्घाटन करने का, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आप सबको नमस्कार करता हूं। साधु जी यादव का साथ, का समर्थन, इनका इंस्पिरेशन हमेशा हमारे साथ रहा है पिछले 6-7 सालों से। हालांकि जयपुर में तो मैं 1990 से रहता हूं, जब से मैं वोटिंग की, जब से मुझे अनुमति मिली संविधान में, तब से मैं जयपुर का ही नागरिक हूं, यहां रहता हूं। लेकिन अब आपसे जिस तरह से परिचय हो रहा है, उस तरह से कभी पहले नहीं हुआ। ये भी मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे लोग हमारे क्षेत्र में यहां पे रहते हैं। सुशीला जी बारी, हमारी पार्षद, आपको बधाई भी, आप नई चुनी है इस क्षेत्र में, और अच्छा काम करिए। इस क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, अगर जहां हमारी जरूरत पड़ती है तो हम आप सभी के लिए हाजिर हैं, आपको शुभकामनाएं। बहादुर जी हमारे मंडल अध्यक्ष, पार्टी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और उसमें वॉलंटियर होकर जब लोग जुड़ते हैं तभी पार्टी मजबूत होती है। कई सालों से जद्दोजहद करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी इस हालत में पहुंची है जहां लगातार हमारी सरकार बन रही है केंद्र में और कई राज्यों में। उसके लिए सभी कार्यकर्ता उसके श्रेय ले सकते हैं, और आप सभी कार्यकर्ताओं की वजह से ही सरकार को और पार्टी को मजबूती मिलती है। तो बहादुर जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, पार्टी को संभालते हैं इस जगह। संजीव जी शर्मा, घनश्याम जी यादव, यहाँ की प्रिंसिपल अनु जौहरी जी, भावना शर्मा जी, आप सबको मेरा खास धन्यवाद कि यहां मुझे आने का आपने अवसर दिया। जो एनसीसी कैडेट्स यहां पर आए, जिन्हें प्रशस्ति पत्र मिला, और जो स्टूडेंट्स यहां पर आए अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, जिन्हें आपसे मिलने का मुझे मौका मिला और आपको हमने एक अवार्ड दिया, एक रिकग्निशन दी, आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा युवाओं की बात करते हैं, अगर आप उनकी मन की बात सुने तो जो सबसे ज्यादा शब्द रिपीट होता है वो युवाओं का ही जिक्र उसमें होता है। एनसीसी की भी खूब चर्चा करते हैं आप, अपने यूथ में अपनी एनर्जी, जो अपार एनर्जी आप में होती है, उसको आप किसी दिशा में लगा सकें तो न केवल आपका चरित्र बनता है, आपका भविष्य बनता है, बल्कि पूरे समाज, पूरे राष्ट्र का भविष्य बनता है उसके साथ। और स्कूल एक ऐसी जगह हो जाती है जहां पर एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चरल वे में शिक्षा मिलती है। शिक्षा जरूरी नहीं है कि सिर्फ किताबों से मिले, शिक्षा तो एनवायरमेंट में होती है। नॉलेज इज इन द एनवायरमेंट, एंटीना चाहिए सिर्फ रिसीव करने के लिए। तो अपने चक्षु खुले रखें, अपना ध्यान पूरा खुला रहे आपका, तो आपको नॉलेज मिलती रहेगी, चाहे वो किताबों से मिले, चाहे टीवी से, चाहे कंप्यूटर से, इंटरनेट से, चाहे आपके गुरुओं से, चाहे आपके साथियों से, परिवार से, दोस्तों से, हर जगह से आपको प्रेरणा भी मिलेगी और शिक्षा भी मिलेगी। आपको सिर्फ उसको रिसीव करने के लिए हमेशा खुला रहना है, तैयार रहना है। तो मुझे यकीन है कि ऐसे स्कूल में, पैरामाउंट स्कूल में, आप अपना भविष्य का निर्माण करेंगे, अपने समय को सही इस्तेमाल करेंगे। ये समय कभी वापस नहीं आता, मैं अक्सर बोलता हूं कि वो कभी घड़ी की सुई को आप देखेंगे तो वो एक ही दिशा में चलती है, उसको आप पीछे नहीं कर सकते। समय, स्थिति और स्थान, ये तीन चीजें ही हैं जो इस पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करती हैं। इसीलिए भगवान शिव का जो त्रिशूल है उसमें तीन है, एक समय का, एक स्थान का और एक स्थिति का। तो ये तीन जिस व्यक्ति के काबू में आ जाती है, या जो इस तीन को तकरीबन
अपने कंट्रोल में कर सकता है वो भगवान हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि भगवान तो आप सब में है, उसको ढूंढने की जरूरत है, उसको तलाशने की जरूरत है, उसको निखारने की जरूरत है। और अपने समय, अपनी स्थिति और अपने स्थान को मजबूत बनाने के लिए आप हमेशा कोशिश करते रहें, ऐसी हम सब की जो आपसे उम्र में बड़े हैं हमारी कामना भी है और आपके लिए छोटों के लिए आशीर्वाद भी है। पीछे जो जिम खुला है ऐसे मुझे खुशी होती है, गर्व भी होता है कि जो एक सपना देखा था प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर कि पूरे देश को फिट होना जरूरी है और स्वस्थ होना जरूरी है, और मुझे लगता है कि अभी पिछले 6-7 महीनों में जो पूरी दुनिया में जो एक तरह की महामारी आई उससे हम सब ने ये भी सीखा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी जीवन में जरूरत ही नहीं होती लेकिन फिर भी हम उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो है ही, शरीर तो है ही, स्वस्थ तो रहेगा ही, परिवार तो है ही, इसकी क्या परवाह करना, परवाह तो ऐसी चीज की करना जो ना हो हमारे पास, और फिर उस चीज के लिए दौड़ लगाते रहते हैं और वो मिलती नहीं, और जो चीज जिसको ग्रांटेड लेते हैं वो उसको खोना शुरू कर देते हैं, स्वास्थ्य को खोना शुरू कर देते हैं, परिवार को खोना शुरू कर देते हैं। तो पिछले 7-8 महीनों में जो महामारी पूरी दुनिया में आई उसने हम सबको एक बात तो सिखा दी कि जीने के लिए बहुत कम चीजों की जरूरत होती है और वो चीजें हमारे पास होती है, उसको और निखारना है, उसको और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आह्वान करा कि अगर राष्ट्र को मजबूत होना है तो राष्ट्र का मतलब क्या होता है, राष्ट्र का मतलब होता है कि उस राष्ट्र का एक एक नागरिक, और अगर एक एक नागरिक को मजबूत होना है तो सही बात है कि बुनियादी जरूरतें हैं, सड़क, पानी, बिजली, जो अभी तक पैसा चोरी हो रहा था वो पहुंचना चाहिए, वो अलग बात है। मैं आपके स्वास्थ्य की अगर बात करूं तो हर एक नागरिक को अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, हमारा संविधान भी कहता है, हमारे संविधान में सब एक ही बात की चर्चा करते हैं कि स्वतंत्रता है हमारे को बोलने की, बिल्कुल संविधान कहता है कि आप स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, लेकिन संविधान यह भी कहता है कि इस देश के हर नागरिक को अपने आप को एक्सेल करने के लिए पूरी कोशिश करनी है, यह भी संविधान कहता है। और जहां स्वतंत्रता की बात करता है उसके अगले ही क्लॉज के अंदर वो एक्सेलेंस की बात करता है संविधान। तो अपने शरीर को मजबूत करने का जो जिम्मा है, अपने आप को स्वस्थ रखने का जो जिम्मा है वो आप सबका है, और इस समय नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, यही समय है, यही फाउंडेशन है। और हम तो जितने यहां बैठे हैं अपने एक्सपीरियंस से ही कह सकते हैं कि यही समय है, और इस समय को आप अपने आप को बलवान करने में लगाएंगे तो फिर कभी पीछे देखने का मौका का अवसर ही नहीं आएगा। अपने आप को मजबूत करिए, अपने दिमाग को मजबूत करिए, पढ़कर, सुनकर, उसको आजमा कर, उसके ऊपर प्रश्न करके, और अपने शरीर को मजबूत करिए। और इसीलिए ऐसे हमने 17 जिम पूरे लोकसभा क्षेत्र में बनाए हैं, तो उसका भी मुझे गर्व होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो मार्गदर्शन करा और उस मार्गदर्शन से बहुत सारे भामाशाह प्रेरित हुए। आपको ये जान के भी खुशी होगी कि ये 17 जो ये जिम है जिनकी टोटल लागत तकरीबन 7.5-8 करोड़ है, इसके अंदर सरकार का पैसा नहीं लगा है, ये सारा का सारा भामाशाहों का पैसा है जो मैंने हाथ फैलाकर दिया ताकि हमारे जो नौजवान है ये आगे बढ़ सके। और साधु जी, मैं आपसे, आपकी खैर पर्सनैलिटी भी इसी तरह है, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप खुला रखिए ताकि जितने लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं नियंत्रित तौर पर, और कोई फिटनेस ट्रेनर आप यहां पे रखिए जो सही तरह से वर्जिश करना सिखाए, ताकि ये सब एक इंट्रोडक्शन हो इनको किस तरह से फिटनेस होता है उसका, इस तरह से इस्तेमाल हो। तो 17 ऐसे ओलंपिक जिम हमने इसको नाम दिया, वेलनेस सेंटर कह दीजिए, ओलंपिक जिम कह दीजिए, क्योंकि ओपन जिम भी आजकल है, ओपन जिम हमने 40-50 खुलवा दिए पूरे लोकसभा क्षेत्र में, उसका भी बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में उसका उपयोग हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक तस्वीर देखी है अखबार के अंदर, बड़ी सी आई हुई थी, ग्रामीण क्षेत्र में हमारी ग्रामीण वेशभूषा पहनकर हमारी माताएं बहनें अपना ओपन जिम का इस्तेमाल कर रही थी, बहुत जरूरी है, अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। उसी के साथ हमने मिनी स्टेडियम भी बनाए, मेरे पास अवसर था कि 9-10 करोड़ में मैं एक स्टेडियम बना सकता था, लेकिन मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा, मैंने खेल मंत्रालय, उस समय मैं खेल मंत्री नहीं था, मैंने खेल मंत्रालय से रिक्वेस्ट करा
कि 9-10 करोड़ का एक बनाऊंगा तो मेरी बाकी लोकसभा क्या करेगी. तो ऐसा